आपकी नजरों के ठीक सामने। ये टॉपिक है आज, और उसके अलावा भी और दो टॉपिक है, टोटल तीन टॉपिक हम लेंगे आज, ठीक है? तो गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। थॉमस कार्लाइल ने कहा है 1795-1881। तो साइंस, हमने इतनी प्रगति की है, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, साइंस की कितनी सारी ब्रांचेस अलग 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 है, उसके बावजूद भी एक चमत्कार हमारे जीवन में है ना, आश्चर्यजनक है, जादुई है, एक मैजिकल है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया, ऐसा ऑथर ने कहा है। ऑथर ने ऐसा बोला है कि मुझे 4 साल लग गए, पूरे के पूरे जो भी इच्छाएं थी, है ना, जो भी मैंने एक लिस्ट बनाई थी, एक सूची बनाई थी, उसका पूरा मैंने जब मतलब देखा कि भाई पूरा मुझे करना है वो, मतलब पूरा कब होगा, तो वो कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनको, ऑथर को 4 साल लग गए और पूरी लिस्ट उनकी खत्म हो गई एक से आखिरी। तो ये संभव है कि आपकी जितनी भी इच्छा है, जो भी इच्छाएं आपकी है, वो सब इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है जब आप उसके लिए कृतज्ञ हो। डेफिनेटली सब की सब इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएगी, भले उसको टाइम लगेगा। हम क्या है, हम इंस्टेंट की दुनिया में है, हमको क्या चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत। हो सकता है कि आपको तुरंत नहीं भी मिलेगा, मगर आपको मिलेगा इतना जरूर है, और वो चमत्कार है, इतना पक्का है, राइट? ओके, नेक्स्ट। आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। जो भी आपकी इच्छा है, आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएगी। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को ले लो, है ना। जो भी हमने लिस्ट एक बनाई थी, वी प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ 10 विशेस, 10 वॉन्ट्स, 10 डिजायर्स। तो ऑल द 10 डिजायर्स और लिस्ट जो हमारे पास में थी, वो लिस्ट अपने सामने रखने का है दिन की शुरुआत करने के पहले। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। जो भी आपकी इच्छा है वो साकार हो चुकी है, ऐसा 1 मिनट तक उसको इमेजिन करना है, उसकी कल्पना करना है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है, जैसे वो पूरी हो चुकी है, वो आपको मिल गया है, डन डील है, वो मिल चुका है। वैसा आपको उसके तरफ देखने का है, वो इमेजिन करना है, उसकी कल्पना करना है कि सचमुच वो अपने जीवन में हो चुका है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। तो जो भी अपनी लिस्ट है उसको अपने साथ में रखना है, 10 की लिस्ट आपने जो बनाई थी उसको अपने साथ में रखना है, और वो साथ में रख के आगे क्या करना है ऑथर बताती है। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकाले, 2 बार निकालना है वो लिस्ट को, और पूरा पढ़े और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना है। साकार हो रहा मतलब वो रियलाइज हो रहा है, दैट विश या दैट डिजायर इज गेटिंग फुलफिल्ड, दैट दैट हैज बीन फुलफिल्ड, एक्चुअली पूरी हो चुकी है वो। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट दैट यू हैव गॉटन दैट यू गॉट दैट, वो पूरा हो चुका है और उसके प्रति आप बहुत कृतज्ञ हो, आप बहुत ग्रेटफुल हो, आप बहुत थैंकफुल हो, ऐसा हमने उसका महसूस करना है उसके लिए। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाए तो उन्हें सूची में से काट दे और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ ले, ठीक है ना? तो अभी मैं समझो आपको पूछूं, आप कौन सी एक इच्छा बताएंगे, आपने 10 की लिस्ट किया होगा, तो एक इच्छा बताओ, जो भी एक इच्छा आपको ऐसा लगता है कि ये साकार होनी चाहिए या फुलफिल होनी चाहिए, तो जरा बताइए आपकी कौन सी इच्छा आपको लगती है कि साकार होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं।
यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौट। चमत्कृत सम्मोहित मैरी एलन चेज ने वहां मैरी एलन चेज शिक्षाविद और लेखिका 1887-1970। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। देखो हमको सांस का महत्व मालूम ही रहता नहीं है, जब ऑटोमेटिकली सांस आ रही है ना हमको मालूम ही नहीं, उसका महत्व मालूम नहीं है। अभी मैं डॉक्टर हूं और आपको मालूम है कभी कोविड के इसमें कोविड का अभी जो आया था वेव, इसमें हमने कितने सारे लोग देखे, कितने सारे पेशेंट देखे कि वो हवा के लिए तरस रहे, तो मेरे को सांस मिल जाए, सांस मिल जाए, ऐसा भी करके। हमने ये भी देखा, सुना, पढ़ा कि काफी जगह कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला और उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं था। वहां का ऑक्सीजन प्लांट जो था वो खराब हो गया, कहीं ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए लोग इतना मतलब तरस रहे थे एक 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 सांस के लिए और उनका इतना स्ट्रगल चलो था, हमने आंखों से देखा हो, ऐसा लगता था कि उनके लिए क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। और हमको पता ही नहीं, हम उसके लिए धन्यवाद भी देते नहीं है वो हवा के लिए कि जो हमको ऑक्सीजन देती रहती कंटिन्यूअस जब से हमने जन्म लिया तब से। ऑक्सीजन का महत्व तभी या हवा का महत्व हमको तभी समझता है जब वो नहीं है। आप देखो आपको महत्व करना है कुछ तो आपको मैंने नाक और मुंह बंद करने के लिए बोला और मैंने बोला भी नाक और मुंह बंद कर डालो, तो कितने समय तक नाक और मुंह बंद करेंगे? कोई 30 सेकंड, कोई 45 सेकंड, कोई 1 मिनट, कोई उससे भी थोड़ा सा ज्यादा, मगर एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको मुंह खोलना पड़ेगा, नाक खोलना पड़ेगा और एक सांस के लिए आपको तरसना पड़ेगा और आप सांस लेंगे। तो ये हमारा सांस का महत्व है कि हवा का महत्व है और जिसके लिए हम कृतज्ञ नहीं है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हम उसके वजह से ही जिंदा है। यह हवा हमारे अंदर जाती है, हवा पूरे शरीर को जाती है, मतलब ऑक्सीजन पूरे शरीर को सप्लाई होता है, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलता है हमारा खून और बाहर फिर हम उच्छ्वास से वो बाहर फेंक देते हैं। तो हर कोशिका हर सेल जो है हमारे बॉडी का वो जीवित इसलिए कि उसको सांस मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है और हमको पता ही नहीं है, चालू है वो। हम इवन मतलब जब जागते हुए तो हम सांस लेते हैं, हम सोए तभी भी सांस लेते रहते हैं, हमको मालूम नहीं उसका महत्व ही मालूम नहीं। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से भी अधिक जीवित नहीं रह सकता। चेतन होकर 5-5 बार सांस ले और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें, फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। लेना है तभी भी अनुभव करो, जब बाहर निकालना है तभी भी अनुभव करो। 5-5 गहरी सांस ले और छोड़े, डीप इनसाइड ऐसी एक सांस ले लो और उसको छोड़ो। यह काम समय पर जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दे तो जादुई शब्द बोलना है। क्या बोलना है? उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस ऐसा कहे। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पर, क्योंकि जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, ये कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे हम, सांस कैसी लेना कैसी छोड़ना उसके बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है, उसके प्रति हम ग्रेटफुल है उसके बारे में, ठीक है ना। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वो सांस लेता है तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है
और वह सच्चा किमियागर बन जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। तो यह सांस का महत्व है। आपने क्या करना है, फोटो, उसका फोटो हाथ में लेना है। अभी फोटो नहीं होगा तो आप मोबाइल में देख सकते हैं वो व्यक्ति का फोटो। हाथ में लेकर तीन बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहे, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। उसका नाम लेना है, तुझे आपके पप्पा है तो आप पप्पा बोल सकते हैं, पप्पा के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके मम्मी है, उनके धन के लिए, खुशी के लिए, दौलत के लिए, स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। या आपका दोस्त है, उसका फोटो भी आप मोबाइल में देख सकते हैं, उसको जो भी चाहिए है। और वो आपको कैसा मालूम होगा कि क्या चाहिए, क्योंकि आप उसके साथ में रहते हैं, आप उसको मिलते जुलते हैं, तो आपको मालूम है उसको क्या चाहिए। और यदि आपको मालूम नहीं है तो उसको आप पूछ सकते हैं कि आपको चाहिए क्या। जब आप मिलेंगे उसको तो पूछ लेना है, और जब आप अकेले बैठे हैं तो बाद में वो उसको मिला हुआ है उसके लिए धन्यवाद 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 दो। हमारा अभ्यास, जादुई अभ्यास, तो पहला है कि आपकी नजरों के ठीक सामने, तो रोज आपको ये करना है, अपनी नियामतें गिने, काउंट योर ब्लेसिंग्स, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है, अपनी सूची दोबारा पढ़े, अपनी जो लिस्ट है डेली अपने को 10 न्यू ब्लेसिंग्स लिखने की है, और हर ब्लेसिंग के लिए अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर दो, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकाले, जो भी इच्छाएं आपने बनी हुई उसकी आपको लिस्ट निकालने का है, ठीक है। और क्या करने का है, नेक्स्ट, हाँ, अपनी सूची, अपनी जो सूची है कि हर वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा एक मिनट तक कल्पना करे जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है, अधिक से अधिक महसूस करें। नंबर चार, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखे, दिन में कम से कम 2 बार सूची को निकालकर पढ़े और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 5, आज 5 उस जीवनदायी हवा के बारे जिसमें हम पूरी तरह 5 बार और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें, सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। 6, जब आप 5 लेकर छोड़ जादुई शब्द, जादुई हवा, धन्यवाद मैं सांस, ये सांस लेते हैं कीमती हवा के लिए कृतज्ञता में। 3, आ करते हैं कि आप दौलत या तो कोई पाने में। 8, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो है तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। 9, एक बार में एक व्यक्ति ले और उसका फोटो अपने हाथ में रखे, अपनी आंखें बंद कर ले और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखे कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। 10, अपनी आंखें खोले और फोटो अपने साथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहे, उसका नाम लेना है और नाम लेके बोलना है कि उसकी सेहत के लिए, सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 11, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर रहे हैं, कर दे तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें। जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास न करें, न कर ले। 12, रोज आपको जो करना है वो आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई फत्तर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज जो है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहे।
तो आपको ये इसमें से क्या समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी है, इसको कोई कोई फेस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं कि आपको क्या दिखाई दिया, क्या समझ में आ गया, कोई शेयर करना है। वी हैव गॉट 8 मिनट्स।